हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? खुश है? पढ़ाई कैसे चालू है सब लोगों की? पढ़ाई अच्छी तरह से करो बच्चों, क्योंकि आपको पता है दिसंबर और जनवरी दो ही महीने बाकी है जो HSC बोर्ड के एग्ज़ाम है। दो ही महीने बाकी है तो अच्छी प्रिपेयर करना चालू कर दो, प्लान बनाओ अच्छी तरह से। विदाउट प्लान कोई काम मत करना बच्चों, क्योंकि प्लान रहा तो हम लोग वो टाइम पे उठ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आप लोगों को विदाउट प्लान मत करना, प्लान बनाओ अच्छी तरह से। तो बच्चों, हम लोग इसके पहले चार टॉपिक कवर कर चुके हैं, पाँचवा टॉपिक भी आज खत्म होने वाला है लगभग। हो सकता है एक आधा लेक्चर बढ़ भी गया तो बढ़ गया, लेकिन इस टॉपिक को मैं एंड अप करने के आज के आज ही कोशिश करूंगा। तो बच्चों, हम लोग आज बढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी का 9 नंबर का चैप्टर है, मतलब 9 नंबर का लेक्चर है। और स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है ना, कोई वायर रहे तो कितना खिंचाव दे सकते हो, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन उसको धीमे धीमे खींचना, जोर से खींचोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग इस जो लेने वाला है वायर, उस वायर को धीमे धीमे ऐसे खींचना है। मतलब जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ द स्टोर होगा इस वायर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो बच्चों, हम लोग बढ़ने जा रहे हैं आगे। देखो, पहले सबसे पहले एक वायर लिया मैंने और इस वायर में कितनी एनर्जी है ये मुझे देखना है बच्चों। आज ये वायर है, ओरिजिनल लेंथ है, इस ओरिजिनल लेंथ को यल बोला है मैंने। बाद में बच्चों, इसमें मैंने कुछ वर्क किया है, मतलब इसको मैं फोर्स दे रहा हूं इससे। देखो ये वायर है ना, इस वायर को मैंने फोर्स दिया, फोर्स मतलब वर्क कर रहा हूं। तो वर्क करने से बच्चों थोड़ी सी इसकी लेंथ होगी चेंज, मतलब यहां पे मैं कर रहा हूं वर्क या फिजिकल टू mg है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। वो बातें पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताई बच्चों, ज्यादा टेंशन मत लेना, बढ़ना आगे। देखो बच्चों, मैं कर रहा हूं वर्क, इसको खींचाओ दे रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, मतलब वर्क हो रहा है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल। लेकिन धीमे खींचना, बहुत जोर से मत खींचना, थोड़ा धीमे। तो बच्चों, इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट x, मतलब उसकी लेंथ जो चेंज हुई बच्चों वो x हो गई। बाद में और खींचा बच्चों मैंने उसको, और खींचा तो ये जो ओरिजिनल लेंथ है ये है, मैंने खींचा था थोड़ा, वो हो x अपना। दोबारा खींचने से उसका चेंज हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों। तो f इज इक्वल टू mg, बात समझ में आ रही बच्चों? ओरिजिनल लेंथ l, थोड़ा खींचने के बाद x इतना खींचा, बाद में थोड़ी रुकने के बाद थोड़ा और खींचा बच्चों। क्या कर रहा हूं मैं? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, उसकी डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी की डिफाइन भी ऐसे लिखना है बच्चों। आप लोगों को मैं धीमे धीमे इसके डिफाइन बना के देने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बच्चों, पहले वायर थी, इस वायर को मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया यक्स इतना। दोबारा जोर से नहीं खींचना, ध्यान में रखना, जोर से बिल्कुल मत खींचना बच्चों, धीमे। यहां तक आ गए, रुक गए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या चेंज इन लेंथ होगी यक्स। दोबारा बच्चों मैंने और फोर्स लगाया तो डीएक्स ना, उसकी लेंथ जो है चेंज किए बच्चों। देखो बच्चों, इस चीज से मुझे स्ट्रेन एनर्जी की डिफाइन बताना है। देखो, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर अप्लाइड फोर, जो फोर्स अप्लाइड करो इन द स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। आई विल रिपीट बच्चों, अगर आप लोग नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन करना है डिफाइन, वर्क डन इन अ स्ट्रेचिंग वायर, वर्क डन इन अ स्ट्रेचिंग वायर बाय अप्लाइड फोर्स, बाय अप्लाइड फोर्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो, वर्क डन कर रहा हूं, एनर्जी स्टोर हो रही, मतलब जैसे जैसे वर्क करूंगा वैसे एनर्जी स्टोर होंगी इस वायर में, लेकिन धीमे धीमे, बात ध्यान में रखना, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। चलो, मैंने फोर्स लगाया बच्चों, मतलब वर्क कर रहा हूं, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, इस वायर स्ट्रेच हो गया इन द स्ट्रेचिंग वायर। अप्लाइड फोर्स इन द फॉर्म ऑफ, जो अप्लाइड फोर्स है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस वायर में पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मुझे कैलकुलेट भी करना है। बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई टेंशन? सब लोग समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं। मुझे बताओ बच्चों, मतलब ये जो रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था? तो ये था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो रहा है। लेकिन बच्चों, बात समझो अच्छी तरह से, यहां पे
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो फॉर्म है, मतलब हमने तीन टाइप देखे थे, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, याद है ना? क्या भूल गए? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बच्चों इसमें क्या होने वाला है? लेंथ चेंज हो रही है। लेंथ चेंज होने के लिए मैंने कौन सा मॉडुलस बोला है? यंग मॉडुलस। वॉल्यूम चेंज हुआ तो बल्क मॉडुलस। शेप चेंज हो रहा है तो शेयरिंग या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। याद है आपको? कोई टेंशन नहीं है तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मुझे पता है लेंथ चेंज होने से मतलब हम लोग कर सकते हैं यंग मॉडुलस। और यंग मॉडुलस होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बात समझ में आ रही बच्चों? देखो मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, जूम, ऐसे खींच रहा हूं इस वायर को, जूम नीचे। जैसे खींचा वैसे उसकी लेंथ चेंज होगी, इंक्रीज इन लेंथ बोलेंगे उसको, यक्स या चेंज इन लेंथ बोलेंगे। तो बच्चों यहां पे जैसे जैसे मैं वर्क कर रहा हूं वैसे ये फॉर्म है फोर्स का, ये फॉर्म जो फोर्स का है वो स्टोर हो रहा है इसमें, किसमें? वायर में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये वायर की जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है ये इधर लगेगा, जैसे जैसे मैं खींचूंगा, छोड़ दो बच्चों, देखो तुरंत जूम ऐसे ऊपर जाएगा, वायर को छोड़ दो जूम ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बच्चों। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। समझ में आ रहा है? फोर्स पर यूनिट एरिया है। अच्छा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। देखो चेंज लेंथ एक्स हो रही है, वो बाद में करेंगे, धीमे धीमे कैसे चेंज हो रहे हैं इस वायर के बारे में बता रहा हूं। एक्स बाई सॉरी एल है ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ एक्स है बच्चों। तो चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ वैल्यू पुट अप कर सकता हूं, तो यंग मॉडुलस है बच्चों यहां पे एफ बाय ए डिवाइड बाय एक्स बाय एल। तो यंग मॉडुलस निकाल रहा हूं बच्चों, देखो मैं एफ ये ऊपर जाएगा डिवाइड बाय एक्स। कोई टेंशन है बच्चों? समझ में आ रहा है? सब लोग खुश है इसको देख के, कोई किसी को टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है बच्चों। आप लोग धीमे धीमे समझ लो, बनना आगे बच्चों। चलो तो देखो बच्चों मैं ये फोर्स निकालूंगा क्योंकि मुझे वर्क भी, क्योंकि वर्क कर रहा हूं ना, वर्क का फॉर्मूला याद है क्या आपको? वर्क क्या होता है? मैकेनिकल वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी होगा आप देख लेना, ठीक है ना? बढ़ना बच्चों, तो मुझे एफ निकालना है, तो एफ अगर यहां पे रखोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, समझ में आता है बच्चों, वाई ए एक्स बटे एल, ये फोर्स मिले। अच्छो मतलब ये हमने जो यहां पे इस वायर पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे ये मिल गए। ओके बढ़ना बच्चों, वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना हो रहा है? बाद में और फोर्स लगाओ, इतना डीएक्स इतना वर्क हो रहा है, फोर्स अपने पास है कि नहीं? और ऐसे धीमे 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 खींच रहे हो तो सबको हमको ऐड करना है, तो बाद में इंटीग्रेशन में भी रखेंगे। तो ये है बच्चों हमारे पास बोलेंगे या चेंज इन वर्क डन जो हो रहा है, क्योंकि चेंज क्यों हो रहा है? पहले इतना खींचा, बाद में और इतना खींचा, और इतना और इतना और इतना, ऐसे खींच सकते कि नहीं हम लोग धीमे धीमे? जोर से बिल्कुल नहीं है। क्या होगा जोर से? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी। हम एनर्जी चाहते हैं, डिफाइन क्या बोली मैंने, क्या वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर अप्लाइड फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में नहीं, ध्यान रखो। ऐसा कब होता है फिर? आपको पता है आपको कि कोई चीज को अगर हम लोग धीमे 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 लेके आते हैं, ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था याद है ना, कोई चीज है इनफिनाइट से धीमे 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 लेके आ रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, बराबर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में चेंज होता है। अगर जोर से तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, हो तो हम तो चाहते हैं कोई चीज ऐसे धीमे आ जाए, धीमे धीमे बिल्कुल। तो इसी को भी धीमे धीमे खींचना पड़ेगा ना, अगर वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है तो ऐसे फोर्स अप्लाई करो। कैसे? फिर धीमे धीमे फोर्स अप्लाई करो। बात समझ में आ रही है बच्चों? फोर्स है बच्चों मेरे पास वाई ए एक्स बटे एल, और डिस्प्लेसमेंट को मैंने डेल एक्स बोला है। कोई शक है बच्चों? चलो अब मुझे बताओ बच्चों, हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन, क्यों? क्योंकि हमने पहले खींचा इतना एक्स, बाद में डेल एक्स, बाद में और ऐसे खींचते जा रहे हैं ना, तो हमको कितना यहां पे वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज होगा ये निकालना है टोटल, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे। इसको इंटीग्रेशन या इसके लिमिट क्या होंगे बच्चों? हम लोग पहले देखो यहां पे, अगर यहां पे पूछा आपको एक्सटेंशन कितना हो गया तो आप बोलेंगे सर जीरो हो गया।
आपको पूछा बच्चों यहाँ पे कितना एक्सटेंशन हो गया है, आप बोलेंगे सर यक्स हो गया है। आपको पूछा बच्चों यहाँ कितना एक्सटेंशन, यक्स और डीएक्स हो गया है। बोलोगे कि नहीं, बात तो समझ में आ रही है। ओके बढ़ना आगे, तो देखो बच्चों यहां पे 0 to L तक हम लोग एक्सटेंशन कर सकते हैं। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 0 to L तक, कहां से 0 to L तक एक्सटेंशन कर सकते हैं इस वायर का। तो बच्चों बढ़ रहा हूं मैं आगे, y यंग मॉडुलस कांस्टेंट, एरिया भी इस ओरिजिनल का कांस्टेंट होगा, लेंथ भी कांस्टेंट होगी। देखो इसका इसका जो एरिया होगा ये एरिया भी कांस्टेंट होगा, लेंथ कांस्टेंट, और यंग मॉडुलस ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये भी कांस्टेंट। बचा है बच्चों मेरे पास x into dx और 0 to L इसका इंटीग्रेशन है। तो वर्क डन इज इक्वल टू y a बटे l, इसका इंटीग्रेशन सबको आता होगा, x square by 2 और ये l है बच्चों, ये 0 है, कोई टेंशन, समझ में आ रहा है बच्चों। अरे x square by 2 लिमिट, हायर लिमिट लोअर लिमिट रख दी, तो बच्चों यहां पे वर्क इज इक्वल टू y a by 2 l, इसका हियर लिमिट है बच्चों मेरे पास यहां पे l स्क्वायर, लोअर लिमिट है 0 का स्क्वायर। आपको पता है 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं है। तो बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1/2 लिखूंगा इसको, y a by l, ये स्मॉल l स्क्वायर है बच्चों। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 बार l l? अरे 2 बार l लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं ना। अरे l स्क्वायर मतलब l मल्टीप्लाई l, l स्क्वायर क्यों लिख रहा बच्चों, क्योंकि इस यल को हमने पहले वाले को यक्स बोला था, यक्स इतना एक्सटेंशन हुआ है। तो लिख सकता हूं बच्चों इस जगह पे मैं वर्क डन इज इक्वल टू हाफ वाई ए यक्स बाय यल, इसको ब्रैकेट कर रहा हूं, कुछ ना कुछ होगा। इसलिए बताओ बच्चों मुझे यहां पे वाई ए यक्स बाय यल ये वैल्यू फोर्स की है, अरे लोड है ना, मैंने जो लोड लगा रहा हूं यहां पर लोड जूम नीचे खींचने के लिए जूम बराबर है। तो बच्चों वर्क इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो इसलिए मैं यू लिखूंगा यहां पे। क्या लिखने वाला बच्चों, यू लिख सकता हूं, नहीं लिखा तो भी लिखेंगे हम लोग। चलो पहले वर्क डन ही रखेंगे, तो हाफ ये फार्मूला एफ का और ये है यल का। तो बच्चों ये फार्मूला मिला है, वर्क इज इक्वल टू हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन या लोड इंटू एक्सटेंशन भी कुछ लोग बोलते हैं, या फोर्स इंटू एक्सटेंशन भी बोलना कोई गलत नहीं। और बच्चों वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी बोलो उसको, वर्क इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी, अरे डिफाइन तो ये ना, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर है ना, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर अप्लाइड बाय फोर्स फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का यही फॉर्मूला है। तो बच्चों स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू लिख सकता हूं बच्चों मैं 1, F को बोलेंगे फोर्स और इसको बोलेंगे है एक्सटेंशन। समझ में आ रहा है बच्चों, ये है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी, हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन, ये फार्मूला मिला है स्ट्रेन एनर्जी का। बच्चों हम लोगों को इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में भी लिखना है, और इसका SI यूनिट भी पूछ सकते बच्चों, SI यूनिट बच्चों एनर्जी है, यूनिट जूल लिखो, टेंशन मत लेना, कोई भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, कोई भी हीट एनर्जी, एनर्जी रहे तो यूनिट जून। आज सीजीएस यूनिट होता है पता है ना आर्ट्स, इसके डायमेंशन क्या होंगे बच्चों, m1 l2 t-2, बोर्ड ने कहा है ऐसे बोलो l2 m1 t-2, ये लिखो ऐसे बोर्ड ने कहा है, तो ऐसे लिख दो, कोई टेंशन बच्चों। बढ़ना आगे, समझ में आ गया बच्चों, सवाल कैसे आने वाला है आपको, तो डिफाइन द स्ट्रेन एनर्जी आप इलास्टिक एनर्जी बोलेंगे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, आई विल रिपीट क्वेश्चंस, मैंने आज क्वेश्चन लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन बता रहा हूं, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर HSC बोर्ड, और इसके ऊपर हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए, हो सकता है थ्योरेटिकली भी न्यूमेरिकल भी। थ्योरी में पहले सबसे पहले डिफाइन लिखना बहुत जरूरी है, डिफाइन मैंने ऑलरेडी बचा है बच्चों, तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर बाय एप्लीकेशन ऑफ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कैसे स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी। बट डायग्राम निकालो बच्चों, फेकोलॉजी अच्छा आना चाहिए, फेंकना भी आना चाहिए, कैसे, कंसीडर द यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, फेंको यार, फेंकना अच्छा आना चाहिए, बस ये कहना मेरा, रिजिड सपोर्ट को बांधो ये वो लिखना अच्छा, समझ में आ रहा है बच्चों।
बच्चों ये क्वेश्चंस आपके लिए दोबारा, डिफाइन द स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी. डिफाइन द स्ट्रेन एनर्जी और हम लोग इलास्टिक एनर्जी भी बोलते हैं उसको. कौन से बच्चों? है ना, इलास्टिक एनर्जी भी बोल सकते हैं. डिफाइन द स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी, ऐसा क्वेश्चंस होता है. दोबारा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, है ना, स्ट्रेचिंग द वायर. समझ में आएगा बच्चों? चलो इसी क्वेश्चन को बच्चों पूछते हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो कौन से फॉर्म में लिखोगे? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको कैसे हल करेंगे, है ना, या शो दैट 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. मिटा रहा हूं बच्चों मैं इस चीज को. चलो यही क्वेश्चन है लेकिन आगे बढ़ा है. देखो उन्होंने बताया कि इस चीज को मुझे ऐसा दिखाओ. कैसे 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 कैसे? देखो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रहा तो 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन यह आता है. दिखाओ, शो दैट भी क्वेश्चन आ सकता है, याद देते क्वेश्चन. तो चलो बच्चों मैं कर रहा हूं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है 1/2 मेरे पास है एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. कैसे करोगे बच्चों? स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एफ इंटू एल, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे बच्चों स्मॉल एल है, सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, स्मॉल एल है. चलो वैल्यू मतलब एरिया इंटू कैपिटल एल. बात समझ में आ रही है बच्चों? स्मॉल एल यहाँ पे ऑलरेडी था इसलिए. तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम 1/2 एफ बाई ए, किसका फार्मूला बच्चों याद है आपको? है वो ट्रेस, ये चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, वो है हमारे पास स्ट्रेन, वो है हमारे पास स्ट्रेन. मिल गया रे बाबा. चलो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, मिल गया फार्मूला. इसके डिफरेंट फॉर्म भी आते हैं क्या बच्चों? यंग मॉडुलस क्या होता है बता सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है कि नहीं? चलो तो यहां पे देयरफॉर यहीं पे लिखूंगा मैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2. एक काम करेंगे, स्ट्रेस के जगह पे y इनटू स्ट्रेन डालेंगे. अरे ये स्ट्रेस है कि नहीं, ये इधर गया तो समझ में आ गया. तो बच्चों ये स्ट्रेन हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू y. बात समझ में आ रही बच्चों? दोबारा आई विल रिपीट बच्चों, ध्यान रखना है. चलो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेन इनटू y, स्ट्रेन इनटू y. अगर यहां पे रखो स्ट्रेन 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 स्क्वायर मल्टीप्लाई y. दोबारा बच्चों अब स्ट्रेन रखना है, स्ट्रेन की वैल्यू रखना है. देखो यहीं पे दोबारा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 आप किसका? स्ट्रेन. स्ट्रेन की वैल्यू रखी तो स्ट्रेस बाय वाई, स्ट्रेस बाय वाई, ये स्ट्रेन इधर गया तो स्ट्रेस. देखो दोबारा स्ट्रेन इधर गया तो वाई इधर, तो स्ट्रेस और ये स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, तो हो गया बच्चों स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई. ऐसे डिफरेंट फॉर्म में भी आपको सवाल देते रहेंगे. इसके एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों? जूल डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब क्यूबिक मीटर. तो इसलिए इसके डायमेंशन है m1 l2 t-2 डिवाइडेड बाय l3. तो यहां पे बच्चों m1 l-1 t-2 ये आ रहे फार्मूले. कोई टेंशन है बच्चों, बंडा न्यूमेरिकल के तरफ, सबको समझ में आ रहा है. धीमे धीमे हर चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आपको भी ध्यान देकर करना पड़ेगा, नहीं तो सर मुझे तो नींद बहुत आ रही है क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते फिर तो. अरे बोर्ड में अच्छे नंबर्स लाना है, ध्यान में रखना है बच्चों. ओके तो बच्चों हम लोग अभी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं. लिख लो अच्छी तरह से, नोट डाउन करो बच्चों. आपके लिए मैंने एक सवाल लिख के रखा है, देखो वो सवाल को पहले, सबसे पहले आप लोगों को हल करके खुद को देखना है. फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ही रहे उसका, ठीक है, एंड लेंथ दी वैल्यू इस वायर की 1.5 मीटर. व्हेन स्ट्रेच टू लेंथ ऑफ 1.51 मिलीमीटर बाय स्ट्रेच बाय 3×10^2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बच्चों यहां पे उन्होंने बताया कि जैसे कि एक वायर लिए और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है बच्चों, हर टाइम सेम है. देखो दिखाई दे रहा आपको, मतलब कहीं जाड़ा कहीं पतला, ठीक ठीक नहीं है, बिल्कुल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है. और इसकी लेंथ जो है बच्चों वो है 1.5 मीटर है, इतनी लेंथ है बच्चों. बात समझ में आ रही? क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ दिवाली वाले. अरे कॉपर की वायर है बच्चों, ये रिजिड सपोर्ट को बांधा है और ये जो वायर है वो है
कॉपर वायर है, मतलब कॉपर से बनी वाली है। बच्चों क्या हुआ, उसके बाद में उसकी लेंथ हो गई चेंज। देखो यहां पे लग रहा है ना, सेम लेंथ है और इसकी लेंथ हो गई थोड़ी सी चेंज, बहुत कम है, अब ये भी ज्यादा होगी है ही नहीं। अब इसकी लेंथ है बच्चों, इसकी लेंथ देखी तो 1.51 मीटर। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया होगा। क्या गिरी? फोर्स अप्लाई करने से उसकी लेंथ पहले 1.5 थी, अभी 1.51 है। बस में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले यूनिफॉर्म था, अभी भी यूनिफॉर्म है, लेकिन थोड़ा कम होगा, डायमीटर कम होगी उसकी। और इसके ऊपर जो ट्रेस लगाया है बच्चों, है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, याद है ना, वो ट्रेस जो है वो है 3 × 10^2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन से मेरे, व्हाट इज द स्ट्रेन, सॉरी, फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी, फाइंड द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर पर यूनिट वैल्यू, मतलब ये है मेरे पास सवाल। चलो बच्चों धीमे धीमे बढ़ रहे आगे। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू, इसके लिए फार्मूला है मेरे पास 1/2 क्या, ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये फार्मूला है बच्चों आपके पास, कोई टेंशन नहीं। तो 1/2 ट्रेस दिया है, ट्रेस दिया वाला है, स्ट्रेन नहीं है, मतलब चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ कितनी चेंज हुई, आपको पूछा मैंने, ये जो एक्सटेंशन बच्चों कितना होगा, तो ये माइनस यो करो, यो मिल जाएगा यो मिल जाएगा, यस मिलेगा, कर लेंगे बच्चों, बाकी कुछ नहीं। देखो हम लोगों को चेंज इन लेंथ निकालना है, तो 1.51 - 1.5, समझ में आ रहा है बच्चों? तो L इज इक्वल टू 0.01 मीटर। कुछ लोग लिखते होंगे कि 10^-2 लिख लो, 1 × 10^-2 लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चों स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू 1/2, स्ट्रेस है मेरे पास 3 × 10^2 मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ है बच्चों मेरे पास 10^-2, ओरिजिनल बच्चों ये है 1.5 है ना, अरे है कि नहीं भैया? तो ये दुगना, अरे पॉइंट हटा दो, 15 हो गए 30, 15 × 2 = 2, ये 2 से 2 मर गया बच्चों, वही ये भी मर गया, 10^+2 आ रही है, -2 है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू बच्चों कुछ नहीं, मतलब कट रहे 1 है 1, और इसका यूनिट होता है जूल पर क्यूबिक मीटर, मतलब बच्चों इसकी जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वैल्यू में वो है 1 J/m³। बात समझ में आ रही है ना, 1 क्यूबिक मीटर मतलब एक इतने इतने पहाड़ पे, ये इतने पहाड़ पे ऐसे बोलेंगे, ये इतने है ना, 1 क्यूबिक मीटर पे जो एनर्जी होगी वो 1 J एनर्जी होगी, मतलब बच्चों 1 क्यूबिक मतलब 1 वॉल्यूम में, ऐसे बोलो ना, या 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में बच्चों जो एनर्जी होगी वो 1 J इतनी एनर्जी होगी, 1 J इतनी एनर्जी होगी, ये इसका मतलब है। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, नोट डाउन करना है बच्चों अच्छी तरह से, कर रहे हैं नोट डाउन बच्चों। यहां पे दूसरा सवाल लिखा है, मैं इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, नहीं तो बस चिपका देते हैं ना, सर ए सर बी सर डी कुछ भी, तो इसलिए नहीं दे रहा हूं, इसके ऑप्शन आपको डायरेक्टली आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन ये बच्चों मेरे पास, व्हेन द लोड अप्लाइड टू सस्पेंड द वायर इंक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम 3 kg weight to 5 kg weight। देखो बच्चों मैंने यहां पे एक वायर लिया और इस वायर का रिजिड सपोर्ट है, ये वायर है, ये हमारा पास वायर है, इस वायर को बच्चों मैंने जो क्या किया, सस्पेंडेड है ना, लोड दिया है, पहले को लोड वो है मेरे पास 3 kg weight है। बात समझ में आ रही बच्चों? हम लोग फोर्स न्यूटन में या वेट न्यूटन में गिनते हैं, तो कर सकते हैं हम लोग इसको 3 × 9.8। ध्यान में रखना है बच्चों, अगर आप लोगों को कभी भी जो लोड है अगर केजी वेट में दिया है तो 9.8 मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो। आई विल रिपीट, केजी वेट अगर कुछ दी है वैल्यूज तो उसको न्यूटन में बनाना है तो उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों क्या हुआ, इस चीज के कारण उसका जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन बढ़ा ही इतना, कितना, 0.6 मिलीमीटर।
मतलब बच्चों स्मॉल यल जो है यल वन बोलेंगे इसको भी एफ वन, क्योंकि दो चीजें दी वाली हम लोगों को 0.6 मिलीमीटर। बात समझ में आ रहे बच्चों, इसको कन्वर्ट करना है तो यल वन इज इक्वल टू 0.6 mV/10⁻³। तो यल वन यहाँ पे 6 × 10⁻⁴ मीटर। बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन। ओके नेक्स्ट, दोबारा यहां पे देखो एक वायर है, इस वायर को मैंने अभी दे दिया है लोड, वो लोड है बच्चों मेरे पास अभी 5 kg वेट, इसके कारण उसका जो एक्सटेंशन होगा बच्चों इससे ज्यादा हो गया, क्योंकि लोड ज्यादा दिया एक्सटेंशन ज्यादा, कितना 1 मिलीमीटर। देखो 0.1 यहां पे 1 है बच्चों, तो एक्सटेंशन तो ज्यादा हो गया है, और लोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको एफ टू बोलेंगे क्योंकि ये सेकंड केस, उसको केस वन बोलेंगे और ये केस सेकंड बोलेंगे बच्चों हम लोग। तो एफ टू है बच्चों मेरे पास 5 9.8 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, और एल टू है बच्चों 1 मिलीमीटर, तो एल टू का हम लोग कर सकते 1 × 10⁻³ मीटर। चलो बच्चों हमारे पास यहां पे वर्क डन पूछा है ना, यहां पे वर्क डन कितना होगा, हाउ मच वर्क डन ड्यूरिंग दिस एक्सटेंशन, यहां से यहां जो एक्सटेंशन हो रहा है उसमें कितना वर्क हो रहा है, यह हमारे पास सवाल है। ठीक है बच्चों, अब ये जो है इसको बोलते हैं फाइनल वर्क, ऐसे बोलेंगे फाइनल वर्क है ना, माइनस इनिशियल वर्क बोलेंगे, इनिशियल वर्क। बात समझ में आ रही बच्चों, अरे बच्चों फाइनल कौन सा, ये इनिशियली, ये फाइनल में से इनिशियल करो तो आपको समझ में आएगा कि वर्क कितना हो रहा है। फिर इसमें से पहले इतनी दे दिया लोड 3 kg, तो एक्सटेंशन 0.6 मिलीमीटर हुआ है, बाद में बच्चों मैंने लोड 5 kg वेट दिया है तो एक्सटेंशन 1 मिलीमीटर हो रहा है, तो इसमें कितना वर्क हो रहा है यहां से यहां तक, मतलब पहले वाले छोड़ दो, यहां से बाद में एक्सटेंशन बढ़ाने से हमारा एक्सटेंशन कितना हो रहा है ये निकालना है, मतलब वर्क फार्मूला है 1/2 फोर्स इंटू एक्सटेंशन, यहां पे वर्क फाइनल, सॉरी ये है, लेकिन ये फाइनल इसलिए ये करेंगे इनिशियली एल वन। बात समझ में आ रही ना, अरे फाइनल है ना, फाइनल मतलब हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन, ये इनिशियल। चलो तो बच्चों हम लोग निकालने जा रहे हैं 1/2, दोनों तरफ कॉमन है इसलिए ब्रैकेट कर रहा हूं, हाफ हाफ कॉमन है। एफ टू की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ टू है बच्चों मेरे पास 5 × 9.8 बराबर है बच्चों, मल्टीप्लाई एल टू कितना है 10⁻³ है। बात समझ में आ रही है, ओके यहां पे एफ वन कितना है बच्चों मेरे पास, एफ वन है 3 × 9.8 मल्टीप्लाई यहां पे 6 × 10⁻⁴ इतना है। कोई टेंशन है बच्चों, सब लोग खुश है इसको देख के, बढ़ना बच्चों आगे। ओके चलो पहले वर्क इज इक्वल टू हाफ, यहां पे करेंगे हम लोग अभी कैलकुलेशन 44 49 बराबर है ना, ये आ रहा है, ये जीरो को काट दो बच्चों, बात मल्टीप्लिकेशन की समझ में आ रही है आपको, तो ये 10⁻³ माइनस, यहां पे बच्चों देखना है हम लोगों को कैलकुलेशन क्या हो रहा है, 3 × 8 = 24 ये है, यहां पे 2 यहां पे 29 ये आ रहा है मल्टीप्लाई 6, मैं डायरेक्ट यहां पे करके दूं बच्चों, ये मल्टीप्लाई यो 4 जा है ना 2 38 यहां पे 12 15। बात समझ में आ रही बच्चों, ये आ रहा है यहां पे, मतलब बच्चों मेरे पास आ रहा था ये है ना क्या 15 बराबर बच्चों, सॉरी कुछ गलत हुआ है, गलत हुआ है क्या कैलकुलेशन में बच्चों, गड़बड़ हो रही है क्या, हाँ एक मिनट, चलो यहां पे काम करने वाले बच्चों हमारे पास है 9.8 × 3 है, यहां पे 29 बराबर है ये आ रहा है, बाद में 6 से मल्टीप्लाई करो 24 ये 2 है कि नहीं, यहां पे 56 है ना, यहां पे 5 यहाँ पे 12 हाँ 17 बराबर है, तो ये आ रहा था करेक्ट है बच्चों, यही बराबर है, कैलकुलेशन सिंपल है बच्चों, लेकिन मुझे क्या करना है, यहां पे एक पॉइंट शिफ्ट करना है, यहां पे हम लोगों को
पॉइंट शिफ्ट करना है, मेरे पास एक्चुअल में ये आ गया है, करेक्ट है, लेकिन एक पॉइंट क्यों 10^-3 को कॉमन निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो यहां पे 70.6 × 10^-3 करवा देंगे, कोई टेंशन। तो बच्चों देखो यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थी चीज पॉइंट शिफ्ट किया इसलिए ये पावर कम हुआ, ठीक है, कोई टेंशन। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ 49 − 17.6 × 10^-3, बात समझ में आ रही है, वर्क इज इक्वल टू हाफ। अब तो सब्ट्रैक्शन है बच्चों, इजी इजी वाली कहानी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो ये तो होने वाला है 31.36 × 10^-3, बात आ रही है समझ में बच्चों, कर सकते डिवीजन है सिंपल, बताओ यहाँ पे ये 15.68 ऐसा कुछ होगा 10^-3 एनर्जी गिनते हैं जूल में। तो बच्चों ये जो कर रहे हमने लोड इतना लगाया, इतना एक्सटेंशन हो गया, 5 kg वेट लोड लगाया 1 mm, तो ये जो यहाँ पे जो इलांगेशन हो रहा है और यहाँ पे जो भी ड्यूरिंग इसके एक्सटेंशन के कारण इस वायर के अंदर जो वर्क है वो स्टोर हो रहा है 15.68 × 10^-3 जूल, इतना इसमें वर्क डन होगा स्टोर, कोई टेंशन है बच्चों, लिख रहे हैं आप लोग, नोट डाउन कर रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़ना आगे धीमे धीमे, सब लोग खुश है बच्चों। नेक्स्ट सवाल लिखा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा यहां पे अलग क्वेश्चन दिया है मैंने, कॉपर वायर की लेंथ है 8 मीटर बच्चों, और एक स्टील की वायर है उसकी लेंथ है 4 मीटर, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है 0.5 cm² है, आर फास्ट एंड एंड टू एंड एंड स्ट्रेच विद द टेंशन दी वाला है 500 newton, कैलकुलेट द इलांगेशन ऑफ कॉपर एंड स्टील वायर एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी, ये मुझे बताना है। और इसके बाद में बच्चों आप लोगों को यहां पे जो यंग मॉडुलस दिया है, क्वेश्चन में दिया है यंग मॉडुलस दे वाले कॉपर का, सबसे पहले कॉपर का बच्चों, ठीक है, हाँ सी यू मतलब कॉपर, पता है ना 1 × 10^-11 N/m² और ये स्टील का दिया है 2 × 10^-11 N/m². तो बच्चों मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोरेज होंगी इसमें ये बताना है, ओके, मतलब बच्चों उन्होंने बताया है कि ये रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट को मैंने एक वायर ले ली और ये जो वायर है बच्चों वो है किसकी, कॉपर की, और इसकी लेंथ है बच्चों 8 मीटर है, समझो 8 मीटर है। उसके बाद में बच्चों एक स्टील की वायर लगाई, यही स्टील की वायर है देखो, और उसकी लेंथ है बच्चों मेरे पास जो ये यहां से यहां करती है 4 मीटर, ऐसे कुल मिला के ये तो 12 मीटर होगी, पता है ना ये कनेक्ट किए। उसके बाद में बता रहा बच्चों इसका और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा इसलिए तो ज्वाइंट होगी, अरे बच्चों ये मार्कर और ये मार्कर है, ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन सेम है इसलिए उसको ज्वाइन किया मैंने, बराबर ज्वाइन होके, बात समझ में आ रही, उसको ज्वाइन किया मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है इसलिए बच्चों इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया है मुझे वो ये है 0.5 cm², है ना स्क्वायर, आई थिंक 1 मिनट, हाँ बराबर है 0.5 cm² ये मुझे एरिया दिया गया है, ओके। तो बच्चों देखो यहां पे जो एरिया है वो है 0.5 cm², तो इसको लिख सकता 0.5 × 10^-4, बात समझ में आ रही बच्चों, मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन ध्यान में रखना, 1 cm मतलब 10^-2 m, लेकिन इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर में ये मिला है, ओके। उसके बाद में बच्चों देखना है वन बाय वन देखेंगे, टेंशन मत लेना, बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, सबकी लेंथ दे चुके हैं यहाँ पे इसलिए पहले सबसे पहले एक एक की लेंथ का एक्सटेंशन इसका, अब दोनों का कॉमन एक्सटेंशन नहीं होगा, मटेरियल अलग अलग है, पहले एक ही मटेरियल की वायर रही थी, ये हमारी कॉपर की वायर है बच्चों सी यू की, और ये जो वायर है बच्चों 4 मीटर ये स्टील की वायर है और एक कॉपर की वायर है, ध्यान में रखना हर का एक्सटेंशन अलग अलग होगा,
दोनों का एक्सटेंशन अलग अलग होके निकाल के उसके ऐड करके बाद में पुटअप करेंगे 1/2 एफ इंटू एल। अरे स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन निकालना पड़ेगा पहले, सबसे पहले, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे मुझे जो दिवाला स्ट्रेच वायर मतलब जो टेंशन है, टेंशन को ही हम लोग एमजी क्योंकि एफ इज इक्वल टू एमजी बोलते हैं, वो दिवाला इतना। कोई टेंशन? समझ में आ रहा है बच्चों? सब लोग खुश है? चलो इसमें बच्चों हमारे पास यल वन, इसको यल वन बोलो और इसको यल टू बोलो, ये भी हो गया। चलो बच्चों पहले सबसे पहले यंग मॉडुलस का फार्मूला पता होना चाहिए। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या है बता सकते बच्चों मुझे? जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। एम जी एल वन डिवाइडेड बाय हाँ एरिया इंटू स्मॉल एन, ये निकालना है बच्चों। ये कॉपर के लिए निकाल रहे हम लोग, पहले कॉपर के लिए पढ़ेंगे। एल वन निकालना है तो एल वन एम जी एल वन एरिया। आप बोलेंगे सर आपने एम वन एम टू क्यों नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि एम जी यहां पे लोड जो है बच्चों वो कॉमन है, ये जो है एम जी ये कॉमन है, फिर स्टील के वायर के ऊपर भी वही लोड है और इसके लिए भी वही है। तो आप बोलेंगे सर एक्सटेंशन भी सेम? नहीं, मटेरियल अलग अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। सेम मटेरियल रहा तो सही था, लेकिन अलग अलग मटेरियल है। चलो बढ़ना आगे। तो यल वन बच्चों यहां पे एम जी है मेरे पास 500, यल वन है बच्चों मेरे पास देखो 4 है यल वन, 9 यल वन 8 है बच्चों 8 है 8 सॉरी 8 है मेरे पास यहां पे। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन? एरिया दे वाला है कितना यहां पे 0.5 × 10⁻⁴। कॉपर के लिए 10⁻¹ डायरेक्टली लिखूंगा बच्चों मैं, क्योंकि ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ना आगे बच्चों, यल वन इज इक्वल टू 5 × 40 दो 0 एज इट इज 5 × 40। इसको कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चों, देखो 5 × 10⁻², ये हो गए थे -5 गए तो 6। नहीं समझ में आ रहा है? अरे बच्चों 10⁻⁵ होगा कि नहीं है, 5 लिखना है उसको, तो एक पावर बढ़ाना पड़ेगी। -5 × 10⁻¹ तो 11 में से 5 गए तो 6 बचे हैं। तो यहां पे 5 × 8 ये 2 0 एज इट इज, 6 गए ऊपर तो 8 × 10⁻⁶ ये लेंथ मिल रही मुझे। अच्छो तो मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं हम लोग इसी बात पे, तो हम लोग इसको कर रहे हैं सिर्फ 0.8 × 10⁻³। बात समझ में आ रही? 1 2 3 10⁻³ गए, 10⁻³ बाकी है, तो बच्चों इसको लिखते हैं 0.8 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर 10⁻³ मतलब 10⁸। चलो वैसे सेम टू सेम यल टू निकालेंगे बच्चों, तो इसके लिए एम जी यल टू ए यल टू, ठीक है। यहां पे वायल डालेंगे किसका? स्टील का। किसका? स्टील का। बात समझ में आ रही? मैंने यही यल का फार्मूला यहां रखा बच्चों, अरे यही फार्मूला क्योंकि यल आर ये यल वन है, ये यल वन है। अब यल टू भी कितना एक्सटेंशन हो रहा है निकाल, यल वन एक्सटेंशन हो रहा है 0.8 मिलीमीटर हो रहा है बच्चों, ये कॉपर वायर। अब स्टील की वायर कितना एक्सटेंशन कर रही है ये निकालना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला यार ऑलरेडी मैंने निकाला, दोबारा ये कहानी क्यों करते बैठूंगा मैं, डायरेक्टली यही फार्मूले को डाल दूंगा, जहां यल वन है वहां यल टू, जहां कॉपर है वहां स्टील, खत्म किस्सा। तो एम जी की जगह पे 500 बराबर है ना, एम जी दोनों तरफ सेम है, यल टू है बच्चों 4, देखो यहां पे नहीं पता है तो यल टू 4 है मेरे पास। एरिया तो सबको पता ही है कितना है, 5 × 10⁻⁵ लिख रहा बच्चों, इस चीज को कोई दिक्कत नहीं होती है, 5 × 10⁻⁵ लिखो डायरेक्टली, कोई टेंशन नहीं है। और ये है 2 × 10⁻¹, बात समझ में आ रही बच्चों? 2 × 10⁻¹ स्टील का यंग मॉडुलस। तो बच्चों हम बढ़ रहे जा रहे हैं, एल टू इज इक्वल टू यहां पे ये हो गए 2, करेक्ट है ना, ओके। ये हो गए बच्चों यहां पे 1, तो यहां हो रहे हैं मेरे पास 200, ठीक है ना। कितने रहे बच्चों? 200 हो रहे कि नहीं है? समझ में आ रहा है? 2 × 2 = 4 ये 5 × 1 = ये हो गया 100, ये 100 × 2 = 200। अब रही पावर की बात 10⁻⁶, अरे यार 11 में से -5 गए 10⁻⁶, ये 6 ऊपर गए -6। चलो बढ़ लो बच्चों 0.2
थ्री से शिफ्ट, वन टू थ्री, टेन डैश टू माइनस थ्री, तो एल टू इज इक्वल टू, बच्चों इसको लिख सकते 0.2 मिलीमीटर, नहीं समझ में आ रहा है, 0.2 मिलीमीटर, अरे 10⁻³ मतलब मिली ना, 10⁻³ मतलब मिली है। चलो बच्चों एक्सटेंशन कितना हो रहा है दोनों का हम कैलकुलेट करेंगे, एल वन प्लस एल टू, इसका हो रहा था 0.8 और इसका हो रहा है 0.2 स्टील का, तो दोनों को 0.8 प्लस 0.2 आई थिंक यहाँ पे 1 मिलीमीटर, दोनों की आइडिया आती है ना सबको, 1 मिलीमीटर इतना एक्सटेंशन हो रहा है। कोई टेंशन बच्चों, अगर आपको कन्वर्जन भी करना है मिलीमीटर टू ये, तो 10⁻³ भी मीटर बोल सकते हैं। चलो बच्चों वर्क निकालना है, बोला है उन्होंने कि इस कहानी में इलांगेशन ऑफ कॉपर एंड स्टील वायर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, तो स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी 1/2 एफ इंटू एल, सही बच्चों एफ इंटू एल, मेरे ख्याल से हम लोगों को सबको पता है एफ है मेरे पास 500, ये इंटू एल है 1 × 10⁻³। बच्चों 500 डिवाइडेड बाय 2 तो 250, तो 250 इंटू 10⁻³, तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू, बच्चों 3 से शिफ्ट करो 0.250 जूल, तो स्ट्रेन एनर्जी इसके अंदर 0.250 जूल, इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी स्ट्रेन एनर्जी। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं बच्चों, दो वायर की कहानी थी, इसके पहले मैंने सिंगल सिंगल वायर लिए थे, अभी दो वायर लिए तो हर वायर की अलग एक्सटेंशन होगी, क्योंकि हर की प्रॉपर्टी अलग तो एक्सटेंशन भी अलग, तो इसका एक्सटेंशन 0.8, इसका एक्सटेंशन 0.2, दोनों मिले के 1 मिलीमीटर, और बाकी तो सिंपल सिंपल 1/2 एफ इंटू एल फार्मूला है, तो एफ की वैल्यू पता थी, एल 10⁻³ था, डिवाइड बाय हाफ है 500 के हाफ, 500 के आधे 250, तो सिंपल सी बात है। तो बच्चों पढ़ाई करना है आपको अच्छी तरह से, कोई डाउट है तो डाउट भी भेजते चलो, मैं डाउट भी क्लियर करते रहूंगा, पढ़ाई करते ही रहना है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, हर कोई नोट्स बनाओ अच्छी तरह से, तो बच्चों पढ़ाई करते रहे, बेस्ट लक फॉर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।